The sun is high in the sky and it is 8 AM. मतलब चकवाली जाने का समय आ रहा है पास. एक्चुअली टाइम बाउंड क्यों है हमारा चकवाली जाना? बडवाब से गुजरान तक जाएगी एक स्कूल बस और उस स्कूल बस में हमें चढ़कर गुजरान तक पहुंचना है, जहां से चकवाली कह रहे हैं कुछ 2 किलोमीटर दूर है, जो हम चल के करने वाले हैं. तो इस बस पर बैठना बहुत ज़रूरी है मेरा. अगर मैं नहीं बैठ पाता तो ये मिस हो जाएगी और फिर मुझे नहीं पता मैं कब पहुँच पाऊँगा चकवाली. लास्ट विलेज बिफोर द बॉर्डर. मज़ा आने वाला है. बड़ाप से गुजरान तक हम आए आर्मी स्कूल बस में, जो बच्चों को लेने जा रही थी गुजरान से वापस बड़ाप. और बड़ा गुजरान से हमें आर्मी ट्रक, कार्गो ट्रक है जो चकवाली लेके जा रहा है. आर्मी का सपोर्ट यहाँ पे 100% है और ये एक्सपीरियंस जो मैं अभी कर रहा हूँ वो बिना आर्मी के सपोर्ट के हो ही नहीं सकता. गाड़ी में आ सकते हैं आप, पैदल आ सकते हैं, मगर ये एक्सपीरियंस इज़ नॉट पॉसिबल. एन्जॉय द वीडियो. देवियों सजनों, मैं पहुंच चुका हूं लास्ट पोस्ट पे और यहां से पाकिस्तान बहुत पास है, इतना पास है कि मैं यहां से देख सकता हूं. अनफॉर्चुनेटली सिविलियन इससे आगे नहीं जा सकते, तो मैं अपने साथ कैमरा नहीं लेके जा सकता. मैं आप लोगों को अपने साथ इस पॉइंट के आगे नहीं लेके जा पाऊंगा. मैं खुद जा सकता हूँ क्योंकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और मैं देखना चाहूँगा यहाँ पर क्या है आसपास. बट बिलीव मी, दिस प्लेस इज़ नॉट एन ईजी प्लेस टू सर्वाइव इन. वैसे ऑन आर्मीज फ्रंट यहाँ पे ज़्यादा हलचल नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है, यहाँ पे ना उस तरफ से लोग आते हैं ना इस तरफ से लोग जाते हैं, तो काफ़ी शांत इलाका है, बहुत सेफ इलाका है. चकवाली गांव, लास्ट विलेज इन कश्मीर, इन नॉर्थ कश्मीर टूवर्ड्स द बॉर्डर. आई फील प्रिविलेज्ड कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया और गुरेजी लोग और आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि यहाँ तक आने के लिए मुझे उन्होंने जो सपोर्ट दिया है. और इट्स नॉट ईजी. मैं अगर आप खुद आएंगे एक बार तो आप देखेंगे कितनी ख़राब रोड्स हैं. आपको अगर चलना पड़ जाएगा इन रोड्स पे कितना कितना तो आप परेशान हो जाएंगे. बारिश कभी भी हो सकती है और मौसम ख़राब हो सकता है. इन हार्श कंडीशंस में इट्स नॉट ईजी फॉर एनीवन टू सर्वाइव. जो गुरेजी लोग हैं वो भी सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे आर्मी के सपोर्ट के साथ. इतनी वीडियो बनाने के लिए भी मैंने उनसे परमिशन लिया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कैमरा उधर फेस करके ही बनाइए वीडियो, क्योंकि इसके बाद आप कुछ नहीं दिखा सकते. फ़ोन लगे हैं कंफर्म करने के लिए कि क्या हम आगे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे. उन्होंने आदमी जो चेक पोस्ट पे है उन्होंने आगे बात करी, बट एवरीथिंग टर्न्ड आउट वेल.
for me, not for you guys, क्योंकि आप लोग ये नहीं देख सकते, but पाकिस्तान है वहाँ पे, अब मैं आपको नहीं दिखा सकता। और ये हमारा पूरा इंडिया है, वहाँ से आगे शुरू हो जाता है लेह लद्दाख का एरिया, नॉट एक्सेसिबल टू सिविलियंस। किशन गंगा नदी बह रही है, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। बेस्ट पार्ट इज़ दैट आप लोग भी आ सकते हैं गुरेज़ वैली, इन्जॉय कर सकते हैं इसको, बहुत पीसफुल है, बहुत सेफ है, और आपके पास सारे बेसिक नेसेसिटीज़ होंगी। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, आई एम गोना एंजॉय दिस लास्ट पोस्ट, पाकिस्तान का पोस्ट, इंडिया का पोस्ट और इस एरिया को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑलराइट बाय। देखिए वैसे तो मैं छुप छुपा के वीडियोज़ बना सकता था, फोटोज़ ले सकता था, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, कैमराज इतने छोटे हो गए हैं, इट इज़ पॉसिबल, बट अपनी फ़ौज के अगेंस्ट क्यों जाना, अगर वो कह रहे हैं ना बनाओ तो नहीं बनाते, कोई बात नहीं, तभी तो आपको खुद आना पड़ेगा और अपनी आँखों से देख सकते हैं ना आप, दैट्स द इंसेंटिव। एनीवेज अभी मैं चकवाली चेक पोस्ट से वापस जा रहा हूँ चकवाली गाँव, अभी आर्मी की एक गाड़ी आएगी यहाँ पर, रुकेगी, सामान लोड करेगी, खाना पीना करेगी, और उसके बाद वो वापस चकवाली गाँव से होते हुए जाएगी आगे बड़ा गाँव तक। रास्ते में मैं लोड हो जाऊंगा, चकवाली गांव देखते हैं, चलिए। चकवाली चेक पोस्ट से चकवाली गांव जा रहा था और रास्ते में वापस गुरेजी हॉस्पिटैलिटी के साथ इनकाउंटर हुआ मेरा, कुछ नए दोस्त हैं। हेलो, आपका नाम क्या है? शाहबाज अहमद लोन। और आप? सलीम लोन। जोर से यार, सलीम लोन सर। अरे ये देखिए नून चाय और इसको क्या कहते हैं, देसी घी। अच्छा, और साथ में रोटी। बाय बाय। चकवाली गांव से मैं निकल गया हूँ, एक गाड़ी आर्मी की जा चुकी है जिसमें मुझे जाना था, मगर एक दो गाड़ियाँ और आएंगी उसमें चले जाएंगे वापस। चकवाली गांव में मुझे चाय पीने को मिली, उन्होंने कुछ स्नैक्स भी दिए, और यहाँ का देसी घी मैंने पी यार, मैंने पी। ये भी मुझे चाय ऑफर कर रहा है, बड़े कमाल के लोग हैं। मगर गाड़ी मिल जाएगी आगे। तुम्हारा नाम क्या बच्चों? नाम क्या? जोर से नाम। क्या नाम है तुम्हारा? इरफान। इरफान, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। कौन सी क्लास में हो? क्लास ये जो बर्तन हमने अभी देखे जिन पर मिट्टी लगी हुई है, ये लगाए जाते हैं ताकि बर्तन काले ना हों, बर्तन ख़राब ना हों, और हर बार यूज़ करने के बाद इन्हें धोया जाता है एंड बर्तन इज़ गुड एज़ न्यू, फिर दोबारा मिट्टी लगाई जाती है जब भी इसे यूज़ करना होता है। स्टफ़ यू लर्न एवरी डे।
चकवाली नाम के इस गांव में एक मिडिल स्कूल है जहां पे बच्चे पढ़ने आते हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस देखते हैं, गंदगी ना फैलाएं और सेव लाइफ से एनवायरनमेंट, काफ़ी अच्छे मैसेजेस थे। और यहां के टीचर से भी मिलके मुझे काफ़ी कुछ पता लगा इस एरिया के बारे में। बहुत सर्दी होती है, बहुत बर्फ़ गिरती है, तो स्कूल बंद भी हो जाता है। वैसे यूजुअली 3 महीने के लिए बंद तो होता ही है, दिसंबर स्टार्टिंग, बट कभी कभी अगर बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो, मोबिलिटी नहीं हो पाए, मौसम ख़राब रहे, तो 3 महीने से ज़्यादा भी स्कूल बंद रहता है। बट बाकी टाइम पढ़ाई चलती है, बच्चे पढ़ने आते हैं, खेलते कूदते हैं। अभी हमने बच्चों को देखा, वो रिसेस एंजॉय कर रहे थे, अपनी वॉलीबॉल खेल रहे थे, जस्ट हैविंग अ गुड टाइम, जस्ट लाइक अस। आई होप यू गाइस आर हैविंग अ गुड टाइम। तमाम यहाँ गाँव की तरफ से मैं आप सबके शुक्रगुजार हूँ। जो भी यहाँ आएगा बहन भाई, हमारे एक जैसे घर के बच्चे हैं, हम इनको इसी तरह रखेंगे, कोई प्रॉब्लम के बगैर आए। गुरेज वैली का ये आखिरी गांव है, उस गांव का नाम है चक बहार तुलेल। रहने के लिए, बैठने के लिए, हम जो खाना पीना खाते हैं, देसी जैसा दूध है, मक्खन है, पनीर है, कोई भी चीज़, हरी सब्जी भी यहाँ जंगल में मिलती है, कोई भी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी, जो भी आएगा नो प्रॉब्लम। खाना यहाँ पे एकदम देसी है, फ्रेशली ग्रोन ऑर्गेनिक, तो खाना तो बढ़िया है ही। किशनगंगा नदी यहीं बह रही है, सामने है आइस पीक्स, हरे हरे पेड़, हरी हरी पहाड़ियाँ, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। इसी गाड़ी में हम जाएंगे वापस, गाड़ी को रोकना है, लोड होना है, और फिर हम पहुंचेंगे बड़ुआ, उसके बाद देखते हैं आगे कैसे जाना है। बट अभी के लिए